सीएम नीतीश कुमार ने कल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को फोन कर दफ्तर बुलाया। आज वो समय से 5 मिनट पहले ही अपने चैंबर में मौजूद थे। इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्रा ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव से खास बातचीत की। खुद की अटेंडेंस पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। नीतीश कुमार सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय पहुंचे थे, उस समय शिक्षा मंत्री मौजूद नहीं थे, लेकिन आज समय पर आ गए। आज समय पर आ गए थे मंत्री जी, आज बिल्कुल समय पर आ गए आप। क्यों, समय पर तो वहाँ आना ही है जब निर्देश सबके लिए है। नहीं, कल नहीं थे आप। कल मैं 5-7 मिनट लेट से आया हूँ और क्या। हाँ, आपको खबर मिली कि नीतीश कुमार आए तो फिर दौड़ते भागते आप पहुँचे थे। आप समझ रहे हैं, हमको आना ही था तो, और आप प्रेस वाले अपना नैरेटिव सेट करते। आप आज लेकिन समय से पहले आ गए, 5 मिनट पहले आए, मुझे जानकारी मिली। आज समय पर आए, 2-4-5 मिनट पहले आए, और जब समय पाना है तो 2-4-5 मिनट का आपको फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो अब कहाँ जा रहे हैं? कोर्ट की बैठक है आज। अच्छा, तो अब हर दिन ऐसा ही करेंगे? जब अब तो निर्देश दे दिया ना मुख्यमंत्री ने कि 9:30 बजे आना है। कमन निर्देश जारी हो गया, तो जब तक पटना पर रहेंगे तो ऐसा ही करेंगे ना। क्या कहेंगे इस आदेश के बारे में, अच्छा है या इसमें कुछ संशोधन की भी आवश्यकता? नहीं, वो अच्छा है। कम से कम जब सारे कर्मी आते हैं समय पर तो भाई मंत्री हो कि वरिष्ठ पदाधिकारी, क्यों नहीं आएंगे? बहुत लोग नहीं भी हैं, लेकिन कई मंत्री जो हैं अपने चैम्बर में नहीं मिले। तो हो सकता है मंत्री फील्ड में भी गए होंगे, उनका फील्ड का भी काम होता है ना। तो शिक्षा मंत्री समय पर बिल्कुल आ गए और अभी एक मीटिंग में जा रहे हैं। कल नीतीश कुमार जब आए थे तो इन्होंने मंत्री जी को फ़ोन भी लगाया था और ये पूछा था कि आप कहाँ हैं, और उसके बाद शिक्षा मंत्री काफ़ी जल्दबाजी में अपने मंत्रालय पहुंचे थे। नीतीश कुमार के एक फोन से जल्दबाजी में पहुंचे थे शिक्षा मंत्री। वो कहते हैं ना, देर लगी आने में तुमको शुक्र है, फिर भी आए। तो खैर, नीतीश कुमार के औचक निरीक्षण में कल एकमात्र मंत्री जो अपने चैंबर में मौजूद थे वो थे मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार। नीतीश कुमार उनको देखकर बहुत गदगद हो गए, लेकिन आज वो इंडिया टीवी के रियलिटी चेक में मौजूद नहीं थे। इंडिया टीवी के सवालों पर उनके दफ्तर के कर्मचारी जवाब देने में भी असमर्थ दिखाई दिए। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। हर जगह जल्दी जल्दी दफ्तर में दाखिल होने की जो आपाधापी है वो नज़र आ रही है। मुख्यमंत्री उसके बाद सीधे इसी सीढ़ी से ऊपर की तरफ बढ़े थे, और इसलिए हम अब ऊपर की तरफ जो विभाग हैं वहाँ चलकर देखते हैं कि क्या नीतीश कुमार ने जो बातें कहीं, जो निर्देश दिया, उस पर अधिकारियों मंत्रियों ने अमल किया या नहीं किया। ये इसी रास्ते से मद्य निषेध उत्पाद विभाग है, इसके मंत्री सुनील कुमार हैं जो कल मौके पर थे। मद्य निषेध मंत्री कहाँ मिलेंगे? जी सर, इधर मुड़ने के बाद यहाँ कमरे में भी आप एक तस्वीर दिखा दीजिए। जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश का असर जो है वो दिखाई दे रहा है, और सुनील कुमार जो कि एक IPS अधिकारी रह चुके हैं, कल वो उस वक्त मिल गए थे जब नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँचे थे। अब इसी रास्ते में कई और दूसरे विभाग हैं। मनोज कुमार, सहायक निबंधक महानिरीक्षक, सारे अधिकारी आ चुके हैं? जी आ ही गए सर, आ गए सर। सब हम लोग टाइमली, पाठक साहब का डिपार्टमेंट रहा, सब हम लोग टाइमली आते हैं, जाते हैं सब दिन। मद्य निषेध मंत्री अभी पहुँचे? वो तो चैम्बर है उनका सर का। आगे चैम्बर है मद्य निषेध मंत्री का। मद्य निषेध मंत्री का ये रहा चैम्बर। कल तो मौजूद थे, नीतीश कुमार इनको देखकर खुश भी हुए थे, लेकिन आज हैं या नहीं हैं? ये मंत्री जी आ चुके हैं क्या? नहीं सर, नहीं है अभी। आंसर नहीं है सर। 9:30 से ज़्यादा बच चुका है, अभी तो नहीं आए सर। तो कल नीतीश कुमार के आने की खबर उनको मिल गई थी क्या? नहीं सर, वो नहीं है। वो ऐसा तो पहले थे, दिख रहे थे, ऐसे आ जाते थे सर। 9:25, 9:20 में 9:30 तक ले आ जाते हैं सर। जी सर, लेकिन अभी नहीं आए। अभी आज भी नहीं आए सर। क्या वजह पता चली? अभी पता नहीं है सर। फ़ोन करके पूछेंगे? हमारे पास नंबर सर का नहीं है। PA का नंबर होगा? PA है उनके क्या, मंत्री जी के? हाँ, अभी निकले हुए हैं मंत्री जी, तो अभी आएंगे यहाँ दफ्तर। जी जी सर। 9:30 बज गए, इसमें तो हम लोग नहीं कुछ कर सकते। 9:35 हो रहा है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। कल मुख्यमंत्री आए थे तो? जी 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 थे, सर से मुलाकात भी हुई है। अच्छा। जी, लेकिन आज नहीं है। मद्य निषेध मंत्री आज
9:35 में अपने दफ्तर में नहीं है। कल नीतीश कुमार ने इनकी तारीफ की थी कि ये हमें दफ्तर में मिल गए। कल औचक निरीक्षण के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात की। नीतीश ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, सबको समय पर आना होगा। सब जगह हम देख रहे हैं कि समय पर आ रहे हैं कि नहीं है, कोई नहीं रहते हैं तब तुरंत कहवाते हैं कि मैं कह नहीं समय पर आए हो, 9:30 सबको आ जाना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं, इसीलिए हम घूम रहे हैं सब जगह। आप तो एक्शन में हैं, बाकी सब भी एक्शन में दिख रहे हैं। आप तो एक्शन में दिख ही रहे हैं, बाकी सब भी एक्शन में दिख रहे हैं, दिख रहे इसीलिए सब, बाकी ये सब इसको तो देखने आप जानते हैं, इसको बहुत बड़ा ना बनवाए हैं, एक बार थोड़ा गिर गया था तो उसके बाद बाकी सब आज भी देख लिए ताकि ठीक हो जाए। शिक्षा मंत्री तो आज टाइम से दफ्तर पहुंच गए, लेकिन कृषि मंत्री जो कल भी एब्सेंट थे वो आज भी अपने मंत्रालय में नजर नहीं आए। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र पहुंचे, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्यों सभी मंत्री और अधिकारी मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण का इंतजार करते हैं, क्यों इस बात का इंतजार करते हैं कि मुख्यमंत्री साहब डांट लगाएंगे या ताकीद करेंगे तब सारे काम होंगे। सभी मंत्रालय के अधिकारी अपने अपने समय पर दफ्तर पहुंच सकते हैं, कामकाज भी समय से चल सकता है, लेकिन इसके बावजूद उनका नदारद रहना ये इस बात का इशारा करता है कि सभी मंत्री अपने अपने मंत्रालय के कामकाज को लेकर कितने संजीदा हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार को सरप्राइज विजिट की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी सबसे पहले शिक्षा विभाग में। नीतीश किस मकसद से रेड डालने के लिए पहुंचे थे, तो इसका जवाब इन तस्वीरों के अंदर छिपा है। इंडिया टीवी ने बिहार के सरकारी स्कूलों की बदहाल तस्वीरें सामने रखी थी। कहीं एक ब्लैक बोर्ड पर 5 क्लासेस चल रही थी, कहीं एक बिल्डिंग में 3 स्कूल ऑपरेट किए जा रहे हैं, कहीं तो बिल्डिंग ही जर्जर है, कहीं एक ही कमरे में मैथ्स और बायोलॉजी की क्लास चल रही है, कहीं पर टूटी फूटी झोपड़ी है, भेड़ बकरियों की तरह बच्चे भरकर बैठे हुए हैं, पढ़ाया जा रहा है, और कुछ सरकारी स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर गौशाला चल रही है, भूसा भरा हुआ है, पुआल रखा हुआ है, गाय भैंसे बंधी हुई है। सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत लगातार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार अपने औचक निरीक्षण से सबसे पहले शिक्षा मंत्री के चैंबर में दाखिल हुए और नहीं मिलने पर उन्हें तुरंत फोन किया। नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर यादव से सीधा सवाल किया, मैं आपके विभाग में घूम रहा हूं और आप बाहर हैं। शिक्षा मंत्री तो आज टाइम से दफ्तर पहुंच गए, लेकिन कृषि मंत्री जो कल भी एब्सेंट थे वो आज भी अपने मंत्रालय में नजर नहीं आए। तो क्या ये समझा जाए कि मंत्री जी मुख्यमंत्री को की सख्ती के बाद भी गंभीर नहीं हुए हैं। देखिए बिहार में कृषि मंत्रालय की अटेंडेंस रिपोर्ट। कृषि मंत्री में भी नीतीश कुमार पहुंचे थे, सर्वजीत जो कि आरजेडी कोटे से मंत्री हैं कृषि विभाग के, एक बार फिर से यहाँ रख रोल। नीतीश कुमार कल रोल नीतीश कुमार कृषि विभाग में भी पहुंचे थे। कृषि मंत्री सर्वजीत उस समय अपने चैम्बर में नहीं थे। मंत्री जी आ गए ना? आने वाले हैं सर, आ रहे हैं, सूचना हो गया सर। अच्छा, क्या सूचना आई? कहीं के मंत्री जी आ रहे हैं, लोग रेडी रहिए सर। लेकिन अभी कितना टाइम हो रहा है? अब तो सर टाइम तो हो ही गया है सर आने के लिए सर, आधे घंटे लेट हैं। तो सर सर आ रहा है सर, आ ही रहा है सर। चैम्बर दिखाइए, ये कृषि मंत्री का चैम्बर है। कल नीतीश कुमार यहाँ आए, उन्होंने बजाबता इनकी कुर्सी की तरफ उंगली दिखाकर तस्वीरें भी दिखाई कि मंत्री जी अपने चैम्बर में नहीं हैं, और समय देख लीजिए 10 बज चुके हैं, यानी आधे घंटे की देर हो चुकी है। और ये स्थिति तब है जब नीतीश कुमार इनके चैम्बर में कल आए थे और कल भी वो मौजूद नहीं थे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तस्वीरें इनके चैम्बर में लगी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का निर्देश समय पर आने का वो नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ जो दूसरे अधिकारी हैं, राजेश मीना निबंधक सहयोग समितियाँ, क्या कहाँ हैं सर? नीचे में गाड़ी लगे। अच्छा, अभी पहुँचे नहीं है? नहीं पहुँच, आ रहे हैं, फोन किए हैं। पता चली देर होने की? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।